नमस्कार, सनातन टाइम्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा। आमिर खान और लाल सिंह चड्ढा का विवादों से पुराना नाता रहा है। जी हां, सोशल मीडिया पर बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान के फिल्म लाल सिंह चड्ढा को बायकॉट करने की मांग आज से नहीं उठ रही है, बल्कि नेटिजन्स द्वारा 2 साल पहले भी लाल सिंह चड्ढा का बहिष्कार करने का आह्वान किया जा चुका है। अब सवाल ये उठता है कि 2020 में ऐसा क्या हुआ था कि जिसकी वजह से सोशल मीडिया पर हैशटैग बायकॉट लाल सिंह चड्ढा वाले ट्वीट्स का सैलाब आ गया था। आइए जानते हैं। दरअसल आज से 2 साल पहले आमिर खान ने इस्तांबुल में राष्ट्रपति निवास यूबर मेंशन में तुर्की की प्रथम महिला एमिन एर्दोगन से मुलाकात की थी। एक रिपोर्ट के अनुसार आमिर खान ने बैठक के दौरान तुर्की में लाल सिंह चड्ढा की शूटिंग और भारत में उनके और उनकी पत्नी की तरफ से चलाए जा रहे कई सारे प्रोजेक्ट्स पर चर्चा की थी। बता दें कि 15 अगस्त को ही तुर्की की प्रथम महिला एमिन एर्दोगन सोशल मीडिया पर आमिर खान के साथ तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा था, मुझे इस्तांबुल में विश्व प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता, फिल्म निर्माता और निर्देशक आमिर खान से मिलकर बहुत खुशी हुई। मुझे ये जानकर खुशी हुई है कि आमिर ने अपनी नवीनतम फिल्म लाल सिंह चड्ढा की शूटिंग तुर्की के विभिन्न हिस्सों में पूरी करने का फैसला किया है। इस ट्वीट ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया था। फोटोज वायरल होने लगी थी। दरअसल सोशल मीडिया पर हैशटैग बायकॉट आमिर खान ट्रेंड होने लगा। लोग लाल सिंह चड्ढा का बहिष्कार करने की मांग करने लगे। नेटिजन्स उनकी फिल्मों को कभी न देखने की कस्में खाने लगे। बताते चले कि तुर्की की प्रथम महिला एमिन एर्दोगन के पति यानी तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयिप एर्दोगन के भारत के साथ अच्छे संबंध नहीं रहे हैं। फरवरी 2020 में एर्दोगन ने नई दिल्ली में दंगों के बाद भारत की आलोचना की थी। इसी साल 14 फरवरी को एर्दोगन ने कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान का समर्थन किया था। जाहिर है, भारत के दुश्मन के साथ आमिर खान की ये नजदीकी हिंदुस्तानियों को रास नहीं आई और अब उन्होंने एक बार फिर से आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा के रिलीज होने से पहले बायकॉट लाल सिंह चड्ढा मुहिम की शुरुआत कर दी है। जाहिर है, ऐसे में आमिर खान की फिल्म की कमाई पर बड़ा असर पड़ने वाला है। तो फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है कि आप इस फिल्म को देखने सिनेमाघरों में जाएंगे या फिर नहीं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर दें। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही।